वेल सिनेमा हम लोग की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर आप इंडिया से और आपने सिर्फ इंडियन फिल्म्स या हॉलीवुड फिल्म देखी है, और अगर आपका एक्सपोजर वर्ल्ड सिनेमा से नहीं रहा है, अगर आपने जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, हांगकॉन्ग, चाइनीज, जापनीज, अफगान, ईरानियन फिल्म्स नहीं देखी है, तो आई एम हियर टू ओपन द डोर फॉर यू। आज मैं आपको 6 ईरानियन फिल्म्स रेकमेंड करने वाला हूँ। ये 6 फिल्म्स के ऊपर मैंने अपना मास्टर्स थीसिस किया हुआ है, सो आई वॉच दिस फिल्म्स थरली मल्टीपल टाइम्स। इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो है, सो आई एम जस्ट लिस्टिंग दिस फिल्म्स, और इच फिल्म के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो लेट्स सी द लिस्ट। दिस 6 फिल्म्स आई हैव कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 जॉनर्स, और इच जॉनर में दो दो फिल्म्स मैं रेकमेंड करने वाला हूँ। द फर्स्ट जॉनर आई एम रेकमेंडिंग इज मिनिमलिज्म एज अ टेक्निक यूज्ड इन ईरानियन फिल्म्स। द फर्स्ट फिल्म फॉर दैट इज टेस्ट ऑफ चेरी बाय अब्बास किरोस्तामी, विच केम इन 1997। द सेकेंड फिल्म इज A Few Kilos of Dates for a Funeral by director Saman Solor. This movie came in 2006. The second genre, the second category is Women and Tradition in Iran. Isme I'm recommending the first film is Leela, which came in 1996 by director Darush Maharjui. And the second film is The Day I Became a Woman, jo 2000 mein aayi thi movie and directed by Mirza Meshkini. The third category is Socio-Political Scenario Foregrounding Children. इसके अंडर दो फिल्म्स हैं। द फर्स्ट इज द वाइट बलून, विच केम इन 1995, डायरेक्टेड बाय जाफर पनाही, एंड द सेकंड फिल्म एंड माय फेवरेट फिल्म इज टर्टल्स कैन फ्लाई, विच केम इन 2004, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय बहमन गोबादी।